दिस इज अनिमेश शर्मा फ्रॉम टारगेट 99 एकेडमी। आप पढ़ेंगे आज क्लास ट्वेल्थ, ओनली फिजिक्स के बारे में बताऊंगा मैं। अब सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के लिए, बाकी और क्लासेस के लिए अगर प्रिंसिपल से कहेंगे तो मैं डाल दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करूंगा कि एक सिलेबस में हम पूरी साल क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। देखो ये कुछ चैप्टर्स हमारे, अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो आप 15 चैप्टर्स मिलेंगे, बाकी कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है ना। सबसे पहली यूनिट जो आती है हमारी वो आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें स्टडी करनी होगी हमें उन चार्जेस के बारे में जो चार्जेस हमारे रेस्ट पे होंगे, जो चार्जेस हमारे रेस्ट पे होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे। और बाकी यही दो चैप्टर्स में कवर हो जाएगा। यही कुछ लॉ होंगे जो कि फोर्सेस के बारे में बताएंगे। चार्ज तो सबको पता होगा चार्ज क्या होता है, बाकी सब पढ़ना ठीक है ना। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ आएंगी ठीक है ना, लॉज आएंगे कि दो फोर्सेस किस तरीके से उन चार्जेस के बीच में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने वहाँ पे 10th क्लास में पढ़ी थी कि नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है मैग्नेट के। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा, वो तो क्लोज लूप बना रही थी नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, पर ये जो होती है पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव जाती है, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। बाकी सारी सेम है ना, अभी इंटरसेक्ट नहीं करती ठीक है ना। अब ऑलवेज फॉलो स्ट्रेट पाथ ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अब चार्जेस ये तो रेस्ट पे थे, अब जब मोशन में चार्जेस आ जाएंगे उसमें हमारा स्टार्ट किया जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब करंट के बारे में पढ़ेंगे तो चार्जेस क्या कर रहे होंगे, बेसिकली मूव कर रहे होंगे ठीक है ना। उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो ये सेकेंड यूनिट हो जाती है हमारी। यहाँ से थर्ड यूनिट चालू होती है हमारी, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वही हमारा ओरेस्टेड ठीक है ना, 10th क्लास में पढ़ा था हमने। ओरेस्टेड ने एक वायर लिया था, उसके अंदर करंट पास करा था, फिर आयरन फीलिंग्स कर दी थी। तो जब आयरन फीलिंग्स करी थी, या फिर उसमें 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक कंपास लिया था, मैग्नेटिक कंपास ठीक है ना, या 12th में आयरन फीलिंग्स के बारे में बता रखा है। मैग्नेटिक कंपास लिया था, उसमें करंट पास करते हैं तो थोड़ी देर बाद जब करंट पास होता रहता है तो ये जो करंट दिया था पर उसके अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आसपास में कंपास होगा तो उसकी नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बाकी लेंथी चैप्टर है पर ईजी चैप्टर है ठीक है ना। फिर ये फिफ्थ चैप्टर आ जाता है हमारा, इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यही हमारा कि किस तरीके से हमारे मैग्नेटिज्म है अर्थ के इंटरनल ठीक है ना, वही हमारा तीन लेयर है हमारा, कहाँ से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है अर्थ के अंदर से, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर में हमारा नीफे पाया जाता है, निकल आयरन, ये सारी जो थोड़ी बहुत जियोग्राफी भी आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी हमारा कवर हो जाता है काफ़ी हद तक, ये इसमें भी पढ़ेंगे हम। फिर आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगा, कोर है हमारा ये पूरा फिजिक्स का। इसमें जैसे ये ट्रांसफॉर्मर यूज़ किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही एक तरीके से वर्क है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बेसिकली, एक कॉइल में दूसरी कॉइल सेपरेट रखी जाती है एक दूसरे से, फिर भी अगर इसमें करंट देते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। वो फैराडे बताते हैं किस तरीके से होगा, उसमें फैराडे के लॉ आएंगे थोड़ा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एसी के बारे में सबको पता है, एसी अल्टरनेटिंग करंट ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। कुछ फेजर डायग्राम आ जाएंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर भी अभी जो हमें नहीं पता है, अभी पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वो चैप्टर है, जैसे कि ये वेव होती है हमारी सारी, एक्सरे हो गई, गामा रेज हो गई है ना, माइक्रोवेव्स हो गई, बहुत सारी रेज हैं, एक्सयूवी कार इन माय रेंज, इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना रखी है, वो जब आओगे तब समझाऊंगा कि कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है ठीक है ना। ये सब पूछने वाले एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से बने अब की बार, और मैं सोचता हूँ आगे भी इसी में से बनेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना। फिर हमारा ऑप्टिक्स चालू होगी, ऑप्टिक्स में हमारी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो में डिवाइड की गई है। रे ऑप्टिक्स जो हम 10th में पढ़ के आए ना, वो सारी पहले कवर करना अच्छे से ठीक है ना। अब जब उसे कवर कर लोगे ना, जैसे रूल पढ़ोगे आप प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल कोई रे आती है तो किससे होकर जाती है, फोकस से पास होकर जाती है, तो इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपको इसमें एडवांटेज मिलेगा, जो बच्चे पढ़ लेंगे अभी ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है, थोड़ा सा डेरिवेशंस ज़्यादा हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं ठीक है ना। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सारा बताएगा हमारा एक पार्टिकल्स डुअल नेचर फॉलो करता है, मैटर भी रेडिएशंस भी दोनों क्या है, डुअल नेचर बताती है हमारी, ये सब बताऊंगा। डुअल नेचर किस तरीके से, एक हीटिंग नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं
जैसे इलेक्ट्रॉन की, इसमें तुम्हें वो निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगी। तुम देखोगे अभी गीगर एंड मार्सडन एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर बताएंगे हम, ठीक है ना। एटम एंड न्यूक्ली, एटम जो है हमारा उसके बारे में नाइन्थ क्लास में, थ्री और फोर्थ चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और तीसरा चैप्टर है एटम, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आगे चल के इसमें आइसोटोप, आइसोबार, अरे बहुत ईजी चैप्टर है ये भी, है ना। न्यूक्लियर के बारे में भी हमने सबको पता ही है न्यूक्लियर क्या होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस उसके अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ठीक है ना। एटम के अंदर बाहर क्या, सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे दोनों चैप्टरों में एटम ही है बेसिकली कवर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी सब सब्जेक्ट नाम दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे डेली पर्पज लाइफ में भी बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। जैसे सोलर सेल है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड, हमारी जो एलईडी होती है घरों में, फोटो डायोड जो हमारे नोट काउंटिंग जो ये होता है ना, बैंक बैंक में नोट काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, फोटो डायोड का यूज़ करते हैं, किस तरीके से, किस बाइसिंग वाइसिंग सब पढ़ेंगे इनके बारे में अंदर। बहुत ईजी चैप्टर है ये, डेली पर्पज़ के लिए भी सब में आपको हर जगह दिख जाएगा सेमी कंडक्टर का यूज़, तो क्योंकि सेमी कंडक्टर ना कंडक्टर ना इंसुलेटर, इन दोनों में से किसी की भी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, 2019 तक तो ये चैप्टर था हमारे सिलेबस में, अब की बार 2020 के लिए हटा दिया गया था, और क्या पता अब की बार फिर जोड़ दिया जाए, मैंने इसलिए लेके चला हूँ। बाकी सेमीकंडक्टर का भी हाफ पार्ट कट गया था, पर अब की बार आ जाए तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ जाए तो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल इजी चैप्टर है, ये फ्री का नंबर देके जाता है कुछ चीज़ें, ये एटेन्यूएशन इन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल विग्नल, ये सिग्नल के बारे में बताएगा, बहुत इजी चैप्टर है। अगर ये आता है तो, अगर इनमें से कोई हट रहा हो तो हट जाए, पर ये चैप्टर नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा, ये बहुत ईजी चैप्टर था, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, अगली क्लासेज में पूरी वीडियोज़ चैप्टर वाइज पढ़ेंगे।